हेलो एवरीवन, जनाब की ये फिफ्थ नंबर की मैथ्स की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से। देन फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये आपका एक समुच्चय दिया गया है, इज इक्वल टू ब्रेकेट में माइनस का 1258 दिया गया है। और सेकंड नंबर का आपका समुच्चय दिया गया है एक ब्रेकेट में 0136 और 7, और ए से बी तक यह उससे एक कम है। संबंध हमें ये बताना है, संबंध आर है, तो आर में कितने अवयव होंगे। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद आपको बता दें इसमें कितने अवयव होंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आर का पहले में दिया था माइनस का 1 2 5 और 8 था कुछ का समथिंग करके था, दूसरे में 0136 समथिंग करके था। तो बताया जा रहा है जो पहला है वो दूसरे से हमेशा कम रहेगा, यानी पहला वाला दूसरे से हमेशा कम रहेगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए तो ए में जो समुच्चय दिए गए हैं यानी यहाँ पे 1258, तो दूसरे में हमें कम वाला देखना है। तो माइनस एक किससे कम है, तो जीरो से कम हो जाएगा, यानी माइनस एक का जीरो से बन जाएगा। टू किससे कम हो जाएगा, टू थ्री से कम हो जाएगा, तो टू और थ्री का पेयर बन जाएगा। फाइव जो है सिक्स से कम हो जाएगा, तो फाइव और सिक्स का पेयर बन जाएगा, यानी यहाँ पे तीन ही पेयर मिलेंगे हमें। तो ऐसे कितने अवयव होंगे, तो तीन अवयव होंगे, यानी यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। तो माइनस का 1 0 और 2 3 और 5 6, तो यहाँ पे एक्स आर वाई इज इक्वल टू एक्स बराबर वाई माइनस 1, यानी आर में कितने अवयव होंगे, तो तीन अवयव होंगे। आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें केवल आपके तीन अवयव होंगे। देन आपके सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि यदि इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल ओमेगा है और एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा माइनस का 2 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7 का मान क्या है हमें बताना है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हल किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको, ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा माइनस का 2। अब हमने माइनस का 2 जो है इधर पक्षांतर कर लिया, इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ट्रांसपोज करने पर हमें एक्स प्लस का 2 फाइंड हुआ, और इधर क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा बच गया। देन यहाँ पे हमने बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ वर्ग करने पे। देन यहाँ पे हमने जब इसका वर्ग ओपन किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, और यहाँ पे जब इसका स्क्वायर ओपन किया, तो ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस का 2 ओमेगा क्यूब, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ हमने 3 जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपका 3 जोड़ने पे 4 प्लस 3 बना, और इधर माइनस का 2 प्लस का 3 बन गया, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी नॉर्मल आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्या किया हुआ उन्होंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x यहाँ पे 7 हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, यानी यहाँ पे घटने के बाद 1 आ गया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो 0 हो गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7 अब आपका जो राइट आंसर है, यानी यहाँ पे इसी की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी राइट आंसर। देन आगे बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है, यानी आपको ये ध्यान देना है, अभी तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो ये इससे अंदाजा ये लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर हो चुके हैं उसमें बाइनरी डिजिट से आपके क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। 100% श्योर से कह सकता हूँ, मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपके इस मतलब इस टॉपिक से, यानी जो आपका बाइनरी डिजिट है उससे आपके क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, वरना मैं करवा दूंगा, आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फुल करवा दूंगा। देन यहाँ पे थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 101 और 0.101 होल ट्वाइस का दशमलव मूल्य की दशमिक मूल्य क्या है। तो यहाँ पे यानी ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हमें दशमलव में करके बताना है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 101 और 0.101, तो ये कैसे करते हैं हम, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो जब आपका पॉइंट के उधर वाली वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1, यानी जितनी बार हो जाएगा हम माइनस में लगाते चले जाएंगे। यानी यहाँ पर देखिए, ये थर्ड नंबर पे, यानी ये वाला 1 0 लास्ट वाला देखेंगे, तो 1 जो है वो थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे 2 की पावर माइनस का 3 लगाएंगे, इसलिए लगाते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद मिलता है आपका दशमलव, ये उसमें टेंथ में चला जाता है, टेंथ हंड्रेड्स में चला जाता है, हंड्रेड में जो होता नहीं आपका मतलब दसवां भाग, दशांश कह सकते हो, वो उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर पे 2 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 दूसरे नंबर पे 2 का माइनस का 2 हो जाएगा, पहले नंबर पे आपका 2 का माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका पीछे वाला हो गया 101 का, आगे वाला सेम उसी तरह करेंगे हम, 2 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे, तो 2 की पावर 0 इंटू 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर
हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यानी 4 प्लस का 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसको सॉल्व करने, 0.5, यहाँ पे 0.125, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5.625 यानी मल्टीप्लाई करके आप देख लेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 4th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि अनुक्रम SN गुणोत्तर श्रेणी में है और S2 S11 इज इक्वल टू SP S8 तो P का मान हमें क्या बताना है, P का मान अभी आपके यहाँ पे पहले 5 देख लेते हैं। तो उसके बाद आइए हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R है, तब AN इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूले से, यानी AR की पावर N माइनस 1, और यहाँ पे S2 क्या हो जाएगा, तो S2 हो जाएगा AR इस फॉर्मूले में, तो 2 की यहाँ पे N की जगह 2 रख देंगे तो 2 माइनस 1 AR आ जाएगा। S11 क्या आ जाएगा, AR की पावर 10 आ जाएगा, वैसे SP क्या आ जाएगा, AR की पावर P माइनस 1, और S8 क्या आ जाएगा, AR की पावर 7। प्रश्नानुसार यहाँ पे कहा गया है कि S2 इंटू S11 इज इक्वल टू क्या है, SP इंटू S8 के इक्वल है। देन यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी, उसका तुलना करने पर आपका P प्लस का 6 इज इक्वल टू 11, देन P की वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो 5 आ गई। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर के क्वेश्चन का, वो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका हम पढ़ते हैं 5th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए अधिकतम जेड बराबर 60 X1 प्लस 50 X2 X1 प्लस 2 X2 इज लेस और इक्वल 40 के अधीन 3X1 प्लस 2X2 और इज लेस और इक्वल 60 जहां X1 और X2 इज ग्रेटर और इक्वल 0 है, तो यहां पे इसके लिए क्या होगा, तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में एक अद्वितीय इष्टतम समाधान है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, यानी यहां पे आप देख लेना, रैखिक प्रोग्रामिंग वैसे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपका 12th में था और सबसे आउट हो चुका है, तो ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है, बस इसमें डाल रखा है, तो आप इसे यहां पे स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। उसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है, वरना आपका वीडियो लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। देन यहां पे 6th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि फुटबॉल की एक प्रतियोगिता में 153 मैच खेले गए, हर एक टीम ने प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेला, कितनी टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो यहाँ पे बताना कितनी टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो 18 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। आइए हम देखते हैं कैसे भाग लिया इन्होंने, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ लिया, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.0 20.0 0.20 और 10.15 अधिकतम 0 इतना, तो आपका ये तो उसका है रैखिक प्रोग्रामिंग का है, ये क्या पढ़ने लगा मैं यहाँ पे 46 नंबर का ये रहा क्वेश्चन। तो माना एन टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो मान लिया हमने एन टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, एन में से दो दो टीमों के बीच होने वाले मैचों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 153 मैच हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो NC2 इज इक्वल टू 153 बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है यानी कॉम्बिनेशन वाला, तो NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन का फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे हम पुटअप कर देंगे, यहाँ से आपका एन माइनस एन इंटू यानी NC2 का जो फॉर्मूला बनता है NN-1/2 इज इक्वल टू 153। अब यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, देन सॉल्व करने पे हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, आपका माइनस का 17 मिलेगी और आपका प्लस का 18, तो माइनस का 17 हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे इसे, प्लस के 18 को हम पुटअप कर लेंगे, तो टीमों की जो संख्या ऋणात्मक नहीं होती है क्योंकि टीम हमेशा फुल में होगी, प्लस का 18 1 2 3 4 5 ना कि माइनस में होगी, तो आपका हम 18 यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे टीमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगा। देन हम पढ़ते हैं 7th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि x²-2/x^15 में x से स्वतंत्र पद से x^15 के गुणांक का अनुपात क्या होगा, तो यानी यहाँ पे बताया गया 1/32 इसका अनुपात होगा, यानी x से स्वतंत्र पद यानी x^0 और x से यानी x^15 से इसका अनुपात बताना है। तो फॉर्मूला कैसे होता है, अभी कल के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था इसी से सेम रिलेटेड, तो आपका ये भी क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो, एक दो प्रैक्टिस सेट लगाओ आप, दो तीन लगाओ, अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन लगाना जरूर है, वो बुक छान डालो कहीं से भी लगा डालो, क्वेश्चन लगा डालो बस, और भूलना मत चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स लगभग यही करता है, तो आपके बेस सब भी सेम वही कैटेगरी का क्वेश्चन रखेगा, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, सारा वही रखेगा, तो आप जिस क्वेश्चन जिस टॉपिक से आपके दो तीन प्रैक्टिस लगाने के बाद उसमें क्वेश्चन आपको मिले दोबारा मिल जाए रिपीट कर जाए, तो वो आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाना है, दोबारा तिबारा चौबारा लगाना है, 4 बार लगा लो उसे कंप्लीट कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं 47th नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं हम 40, यानी यहाँ पे लघु सूत्र लिया गया है कि द्विपद का जो सूत्र होता है ऐसे निकालते हैं, यानी ऐसे फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा P(x^α+1)QXQ(β)(n) के प्रसार में R+1वां पद हमें फाइंड करने को कहेगा। देन यहाँ पे पहला जो है वो पहला फॉर्मूला क्या होता है, जब यहाँ पे क्या यानी m की वैल्यू 0 होती है, m की वैल्यू क्या यानी जो x की पावर कहेगा कि x की पावर इसका पद बताओ 1 2 3 x की पावर लगा के देगा 1 2 3 x की पावर 2 x पावर 3 x पावर 5 x की पावर
10, तो x की पावर 10 हुआ का पद बताना है हमें। तो यहाँ पे जब m जो वैल्यू होती है वो 10 जो x की पावर लगी रहती है उसे हम m की वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पे वो तो m जीरो हो जाएगा। तो x यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है जो x की पावर m से युक्त होगा, r इज इक्वल टू n अल्फा माइनस का m बटे अल्फा प्लस बीटा, यानी m अगर है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 15 दिया गया, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1, x से स्वतंत्र पद यानी r यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे हम, r निकालने के बाद r कुछ ऐसे निकलेगा, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब x से स्वतंत्र पद का मान t10 प्लस 1 करेंगे हम, तो 15c10 x स्क्वायर 15 माइनस का 10 माइनस का 2 अपॉन x, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका जो सॉल्व करने के बाद आपका जो रेशियो निकलेगा, यानी आपको स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना है, तो जो आपका रेशियो निकल के आएगा 1/32 निकल के आएगा। अब टाइमिंग नहीं है, मैं आपको सॉल्व करवा देता, देन आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको समझ लेना है, फॉर्मूले पे रखते चले जाना है बस, और कुछ करना नहीं है आपको। और मैंने बता दिया ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगा लेना एक दो बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार लगा लो, क्वेश्चन इसमें से आएंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आवयुह AB शून्य आवयुह है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें बताना है हमें, यदि आवयुह AB जो है शून्य आवयुह है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन, यानी यदि जरूरी नहीं है, यही जरूरी नहीं है कि या तो A शून्य आवयुह हो या अथवा B शून्य आवयुह हो, तो यानी यह जरूरी नहीं है आपका। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखने के बाद बताते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे हम जानते हैं कि AB इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे A जीरो हो सकता है या B जीरो हो सकता है, कह नहीं सकते कि दोनों जीरो हो सकता है, या तो A है या तो B होगा जीरो। आवयुह AB को शून्य आवयुह होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि A अथवा B शून्य आवयुह हो, देन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी आपका जो सी ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन था, यदि आपका सारणी दी गई है 8556 और माइनस का 856 माइनस का 5x 3111 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x का मान हमें बताना है। सारणी को ओपन कर देना आप, इसको रखने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको जब रखेंगे तो इसका, इसको जब रखेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद जब इसको रखेंगे थर्ड वाला तो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, आप इक्वल टू 2 के इक्वल कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से लगा है, ये आपका चाहे इस प्रकार से आप लगा सकते हैं प्रसार करके, वरना जैसे मैंने बताया वैसे आप लगा सकते हैं, यानी आप इसे एक बार रखेंगे तो 8 इधर लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई माइनस में, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3, फिर यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, वो फॉर्मूले में रहता है, तो यहाँ पे माइनस इसे हम रखेंगे, फिर क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई, और यानी ये वाली लाइन छोड़ दी जाएगी, तो इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे वो लिख लेंगे, फिर प्लस लगा के इसको रखेंगे, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करा के आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8 राइट आंसर आ जाएगा, नहीं ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 15 नंबर आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए कोई वर्ग आवयुह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जहाँ आई तत्समक आवयुह है, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा, तो ए इनवर्स आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो खुद ए ही के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, एंड यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन यहाँ पे ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, वो भी हुआ। अब ए यानी इसको मैंने इधर भेज दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, जबकि ए बी बराबर आई और बी ए बराबर आई, दोनों के बराबर होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए के बराबर ही वो होगा। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों में से एक कोण 1.2 रेडियन का है और दूसरा कोण 99 डिग्री का है, रेडियन माप में तीसरा कोण कितना होगा, तो इसमें से बताना है, तो इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, आइए हम देखते हैं। तो पहला कोण इज इक्वल टू हाफ रेडियन दिया गया, दूसरा कोण 99 डिग्री, और 99 डिग्री को जब चेंज करेंगे रेडियन में तो 99 इंटू पाई बाई 180 आ जाएगा, देन यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 वहाँ पे हमने रख दिया, दूसरा कोण क्या आ जाएगा 11 पाई बटे 20 रेडियन, माना तीसरा कोण सी है, तब त्रिभुज में जो होगा क्या, तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या लाना है, पाई लाना है, देन ऐसे सी की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, यानी 9 पाई माइनस का 10 बाई 20 आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपका लगा लेना यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं 12th नंबर के आपके क्वेश्चन पे, 12th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 292 होल 1/2 डिग्री का मान हमें बताना है, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, 270 प्लस का 22 यानी 22.5 डिग्री में चेंज करने के बाद ये आपका 270 में चेंज हो गया, 270 में आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो माइनस का कोस 22.5 डिग्री आ गया। अब कोस 22.5 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, यहां से आपको यही चेंज करके यहां पे लिख दिया गया है। उसके बाद
अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे यानी 22.5 डिग्री को हम सॉल्व कर रहे हैं यानी यहाँ पे माइनस लगा लिया हमने, कोस को चेंज कर दिया, अंडर रूट 1 प्लस का कोस 45 डिग्री अपॉन का 2 डिग्री यानी कोस ए बाई 2 क्या होता है, कोस ए बाई 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस का कोस ए अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद हमें आंसर आपका क्या मिल गया, तो हमें आंसर मिल गया आपका यानी माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस का रूट 2 हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर के क्वेश्चन का। आपका ऑप्शन डी जो है वो कहाँ गया, यानी 52 नंबर के क्वेश्चन, 52 नंबर के क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी यानी माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2। उसके बाद आते हैं 53 नंबर 13 नंबर के क्वेश्चन पे, तो कॉस ब्रैकेट में लिखा है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 का मान क्या है, तो यहाँ पर हम कॉस इनवर्स का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में फिर क्या लिखा जाता है, एक्स वाई लिख दिया जाता है और माइनस अगर प्लस है तो माइनस लग जाता है अंडर रूट में 1 - x² ऐसा कुछ समथिंग होता है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं, तो 53 नंबर का आपका ये रहा यानी कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स यहाँ पे लिख दिया जाता है एक्स वाई माइनस का 1 - x² और 1 + का वाई स्क्वायर, यहाँ पे अगर साइन प्लस का है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करने के बाद आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13, अब कॉस इंटू कॉस इनवर्स इसको हमने क्या कर दिया यानी यहाँ पर भी क्या यहाँ यानी इसको मैंने चेंज कर लिया इस तरीके से, देन यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या निकल गया 33/65 आपकी वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद हम बढ़ते हैं 54 यानी 14 नंबर के क्वेश्चन पे, कि बिंदु एक्स वाई यानी बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से अनुलंब दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से अनुलंब दूरी सीधी साधी होती है आपकी मोड वाई कर देंगे तो आपका वो अनुलंब दूरी आ जाएगा यानी यहाँ पे 54 है। हम जानते हैं कि बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसके निर्देशांक का मापांक बराबर मोड वाई कर देंगे, वो उसके राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 2.4, 2.6 और 2+√3 × k किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों तो k का मान क्या है, हमें बताना है k का मान हमें बताना है कि संभव त्रिभुज के शीर्ष हो तो आप हाँ आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, 2.4, 2.6 + 2+√3 k है और त्रिभुज समबाहु है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे हमने इसे पुट अप करने के बाद आपका एसी की ढाल कितनी आ जाएगी, m1 = k - 4 / 2+√3 - 2 यानी यहाँ पे m = y2 यानी प्रवणता का सूत्र होता है y2 - y1 / x2 - x1 वहाँ से हमने ये निकाल के यहाँ पे रख दिया k - 2+√3 - 2। अब यहाँ पे m1 = क्या निकला यानी k - 4√3 m1 = यानी 2 से 2 कट गया तो k - 4/√3। देन यहाँ पे जो BC की ढाल आ जाएगी, वैसे BC की ढाल कैसे आ जाएगी यानी यहाँ पे देखिए आप पहले अभी तो क्या निकाला AC की निकाला तो ये A था ये AC था तो y2 यानी x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से हमने AC का जो ढाल निकाला। उसके बाद BC का कह रहा है तो BC का निकालेंगे हम, BC का इस तरीके से निकालेगा कितना k - 6/2+√3 - 2 यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे देखने पे tan C जो है प्लस माइनस का √tan 60 डिग्री यानी आपका हर एक कोण 60 डिग्री का बनेगा तो tan C = प्लस माइनस का tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे tan C का, तो tan = क्या होता है फॉर्मूला m1 - m2 यानी प्रवणता m1 - m2 / 1+m1 m2 = tan 60 की वैल्यू प्लस माइनस का √3। अब यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी = 5 यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 या काल्पनिक मान, तो 5 आएगा यहाँ पे यानी हम इसका राइट आंसर क्या कर देंगे तो 5 आपका राइट आंसर लगा देंगे यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चन में, वृत्तों x² + y² - 2x - 2y = 0 और x² + y² = 1 है के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो यहाँ पे आपका कोई भी रॉन्ग यानी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कैसे, तो यहाँ पे सारे रॉन्ग क्यों हो गए यानी पहला वृत्त s1 = x² + y² - 2x - y2 = 0 दिया हुआ है। उसके बाद आगे सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं g = -1 h = -1 c = 0 और वृत्त के समीकरण यानी g h कहाँ से आया, तो ये देखो जो आपका समीकरण दिया गया था यानी g और h यहाँ से
ये आपका 2gx होता है और 2fy होता है। तो यहाँ से हमने जी और एच की वैल्यू निकाली और c इक्वल टू जीरो हो गया। वृत्त के समीकरण है तो यहाँ पे वृत्त के समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर तो यहाँ पर रेडियस निकलेगी जी स्क्वायर प्लस का fy माइनस का c। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू उठा के रख देंगे तो यहाँ पर जो त्रिज्या निकलेगी वो अंडर रूट 2 निकल के आएगी। इसमें c इक्वल टू जीरो आता है या मूल वृत्त बिंदु से होकर गुजरता है। तो कुछ ऐसा आपका ये प्रिफर यानी आपका जो प्रिफेस है वो आप देख लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, नहीं सी 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 9 इजक्वल टू 1 पर किसी बिंदु की नाभीय दूरियों का योग कितना हो जाएगा, तो 6 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 इकाई। आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर बाई का 4 प्लस वाई स्क्वायर का बाई 9 इजक्वल टू 1 की तुलना दीर्घ वृत्त समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजक्वल टू ए 1 से करने पर यहाँ ए इजक्वल टू 2 तथा बी इजक्वल टू 3 यानी ए जो है वो लेस देन बी से है। हम जानते हैं कि दीर्घ वृत्त के किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग सदैव दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है, यानी नाभीय दूरियों का योग कितना हो जाएगा, वो 2 भी हो जाएगा और 2 इंटू 3 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इकाई आ जाएगा। यानी छठा जो है 57 का जो था वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन पे। 58 यानी आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि बिंदुओं 1, 2 माइनस 3 और माइनस का 2, 3, 1 को मिलाने वाली रेखा के दिक कोज्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि प्रत्येक रेखा के लिए दिक कोज्याओं के वर्गों का योग सदैव 1 होता है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजक्वल टू 1 हो जाएगा। अतः बिना गणना किए विकल्प चुन सकते हैं, देन यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यानी 1 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो 1 ही होगा। यानी दिक कोज्याओं के वर्गों का योग, वो तो आपका नॉर्मल सी बात है, थ्योरी पता है, तो आपको यानी उनके दिक कोज्याओं के वर्गों का योग 1 के इजक्वल टू हमेशा होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, fx इजक्वल टू एक्स क्यूब तथा जी वाई इजक्वल टू वाई क्यूब, तब f बराबर g है क्या, यानी उसके बाद सेकंड बताना है, यानी तत्समक फलन सदैव एक है कि आच्छादन नहीं है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे केवल जो दूसरा है वो आपका राइट हो जाएगा, पहला आपका रोंग हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पे b दिया गया है, f इजक्वल टू g होने के लिए 3 शर्त पूरी होनी चाहिए, पहला fx इजक्वल टू fx और दूसरा जो हो जाएगा f का प्रांत g का प्रांत इक्वल टू हो, थर्ड है आपका f का सह प्रांत और g का सह प्रांत आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ सर सेकंड तथा थर्ड की स्पष्टता नहीं है, अतः f बराबर g होना सत्य नहीं है। उसका दूसरा लिखा है तत्समक फलन सदैव एक है कि आच्छादक हो, यह आवश्यक नहीं है। देन यहाँ पे ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया था। देन आगे बढ़ते हैं हम, यानी जो आपका आखिरी यानी फाइनल क्वेश्चन है, यानी इस प्रैक्टिस सेट का आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो लिमिट एक्स स्क्वायर साइन 1/x किसके बराबर है, एक्स सच दैट यहाँ पे लिमिट जो दी गई है वो 0 दी गई है, देन ये किसके बराबर, तो 0 के बराबर हो जाएगा। देन आइए हम इसको देखते हैं कैसे, देन यहाँ पे आपका 0 के बराबर कैसे हो जाएगा, यानी यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिमिट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 0 इंटू साइन इनफाइनाइट एक्स बराबर 0 रखने पर और 0 को मल्टीप्लाई नहीं इनफाइनाइट इन माइनस 1 से लेकर 1 के मध्य कोई भी संख्या 1 से लेकर माइनस 1 तक इनफाइनाइट कोई भी हो, तो अगर 0 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 0 लगाया है तब इसका वैल्यू 0 होगा, अगर यहाँ पे 0 नहीं है कभी भी एक्स रहता ही नहीं है यहाँ पे तब हम निकालते हैं, तब वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे 60 नंबर का जो है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देन कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आप कुछ भी पूछना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप PDF चाहते हो उस क्लासेस की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 को अवश्य से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इस सारी क्लासेस की PDF प्रोवाइड करा दी जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद वंदे मातरम।